हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज स्पेशल डे भी है, बिकॉज आज मेरे पापा जी का बर्थडे, मतलब ससुर जी वाले पापा जी का बर्थडे। एंड पापा ने हमें सरप्राइज मुझे और मोटे को बता था बस, तो हमने बोला क्योंकि जिस दिन हमने टिकट कराई थी हमें उसी दिन पता चला था कि अब पापा जी का बर्थडे है, तो हमने ऐसे प्लान करा था कि हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे पापा का बर्थडे। पहले तो नहीं करते थे, पहले कोई सेलिब्रेट भी नहीं करता था, ना टाइम था किसी के पास, ना किसी को इतनी वो थी, जानकारी थी। तो हम अगर पापा को बोलेंगे कि पापा हम कहीं बाहर चलते हैं, तो फिर पापा का यही डायलॉग होगा, अरे मैं थक रखा हूँ, मैं सफ़र करके आ रखा हूँ, कहाँ जाना है। इसलिए हमने झूठ बोला कि हेमंत सर के मम्मी पापा आ रहे हैं, उनसे मिलने जाना है, एट अ टाइम बोला हमने। पहले तो हम पापा को विश ही नहीं कर रहे थे क्योंकि पापा का जो मॉर्निंग का टाइमिंग था कि पापा 8 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे, तो मैंने सोचा था मैं घर पे डेकोरेट वगैरह करूँगी और पापा को सरप्राइज दूंगी, क्योंकि पापा को ऐसा लग रहा था कि हमें याद नहीं है। बट जिस दिन हमने टिकट कराई थी हमें उसी दिन पता चल गया था कि उस दिन पापा का बर्थडे है, तो हमने अच्छे से सेलिब्रेट करना है। बट ट्रेन, आपको पता है ट्रेन में तो ये ड्रामे होते हैं, ट्रेन होगी 3 घंटे लेट और फिर हम हो गए रेडी, और अभी हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं, जिसकी था ढाबा में, ठीक है। तो अभी मैं मम्मी एक साथ जाएंगे, पापा और मोटे एक साथ जाएंगे, और हेमंत सर एक साथ जाएंगे। मिलते फिर आपको डायरेक्ट विक्की का ढाबा पे। चलिए गाइस, हेमंत अलग ही टेंशन में। हेमंत सर के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है सर, गाड़ी चला के बस हमने जैसे लॉक लगाने के लिए गाड़ी में देखा तो की गायब हो चुकी है, उसी गाड़ी की चाबी खो गई। ये गाड़ी है, अब वो दोस्त की चाबी लेके आएंगे। तो गाइस, आपने पहले के व्लॉग देखा होगा कि उस टाइम पे यहाँ पर ना इतना अच्छे से मतलब नहीं कर रखा था, अब तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी, जैसे लाइटिंग वगैरह हो गया, और ये मतलब ना सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, साथ में कुशन वगैरह, मतलब मस्त कर दिया। और सबसे पहले मेरा ऑर्डर आता है फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि विक्की के ढाबे पर मैं जाऊँ और फ्रेंच फ्राइज़ ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। वैसे मैं जहाँ भी सबसे पहले जाती हूँ तो आप सबको याद हो गया कि सबसे पहले मैं फ्रेंच फ्राइज़ दिखाती हूँ। ये मेरे बालों पर लग गया यहाँ पर केक, और एक और चीज़ दिखाती हूँ, एक और चीज़ यहाँ पर क्या हुई है, ये देखो इन्होंने इतने अच्छे से, ये है ना फॉग वगैरह, मतलब गर्मियों में ठंडियों का एहसास कराने के लिए, और ओपन वाले रेस्टोरेंट तो और ज़्यादा मस्त। तो आप लोग भी मेरे साथ मस्त करके इन्जॉय करो पूरे ब्लॉग को। अलग अलग चीज पापा जी, आपके चिकन ये मैंने बनाया आपके लिए। तो गाइस, मस्त डिनर करने के बाद उसके बाद हम मंगाते अपने लिए एक आइसक्रीम, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था,
और रेस्टोरेंट क्लोज होने का टाइम भी हो रहा था, तो फटाफट से हम लोग करते हैं डिनर, देन उसके बाद हम निकल जाते हैं घर की ओर। उफ़ो गाइस, हालत हो गई बहुत भयंकर ख़राब एंड हम अभी पहुंच गए हैं घर पे। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर देना। आज की वीडियो नहीं आ रही बिकॉज थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन चल रही है और क्या बोलते हैं, अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ हर दिन का। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक अपने घर पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय गाइस।